औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी से रिलेटेड जो भी हैं, जिनके मोस्टली ये सवाल होते हैं कि डाउनटाउन क्या है और ये डाउनटाउन की लोकेशन किधर है। आप लोग जब भी इस्लामाबाद टू वर्ल्ड लॉ की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आता होगा कि कोई काफ़ी सारी मशीनरी चल रही है मोटरवे के ऊपर, जिसका लंबा चौड़ा फ्रंट है, 6-7 किलोमीटर के बीच उसका फ्रंट है, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली हम लोग अभी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मजीद ये और भी आगे एक्सटेंड हो रहा है। हमने लैंड काफ़ी सारी प्रोक्योरमेंट कर ली है वहाँ पर, लेकिन साथ साथ डेवलपमेंट भी इसको कर रहे हैं। डाउनटाउन बेसिकली आपका जो कनेक्टेड है, ये गेट नंबर 1 जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का गेट नंबर 1 है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आप देखेंगे चक्री रोड पे सामने हमारा एक गेट है, उसको हमने कनेक्ट किया है वहाँ से चक्री रोड से मोटरवे। मोटरवे के साथ जो आपको लेफ्ट साइड पे जो एरिया जितना मशीनरी वहाँ पे लगी हुई है उस एरिया को, उसको हम लोग डाउनटाउन कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम डाउनटाउन के ऑपोजिट पल्ली साइड पर दूसरी तरफ आ जाता है मोटरवे के और मगरब की साइड पर, वहाँ पे आप देखेंगे उस साइड पे भी हमारी वो जितना भी जितना इस साइड से इसी इतना ही दूसरी साइड पे भी फ्रंट हमारा क्लियर हो चुका है और इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं आगे बगरा से, बगरा से आगे मुजाद, मुजाद से आगे दड़ी बड़ी, दड़ी बड़ी से आगे निकलते निकलते हम आगे जा रहे हैं गली जंगीर रोड तक। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पर हमारी जो ये वाली जो बेल्ट है सामने की 100% क्लियर हो गई है, इसके अंदर अब कोई भी नहीं है कि इसमें एक दो हमारे साथी थे जो पहले वहाँ पर कुछ काम कर रहे थे, उनके साथ हमारा कोई एडजस्टमेंट हो गई है, वो तो अपने उन्होंने अपनी एक साइड दूसरी साइड पे ले गया और इस साइड पे अल्लाह के फजल व करम से इस टाइम पे ब्लू वर्ल्ड सिटी इंडिपेंडेंट है और इसके साथ कोई भी नहीं है। और हमारी जितनी भी ज़मीन है वहाँ पे टोटल कम्पैक्ट है और इसके अंदर जितने भी खसरा जाते हैं टोटल वो एक पीस की शक्ल में है और उसके अंदर कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई मामलात नहीं है, कोई किसी किस्म का नहीं है। और हमने काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टरों को वहाँ पे दावत दी है कि आप आएँ और उस साइड पे उसको आपके डेवलप करें। जब लास्ट मैंने कोई 4-5 महीने पहले भी लोगों को ये कहा था कि आप लोग आएँ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ काम करना चाहते हैं, हम उनको साइड के ऊपर जॉब देते हैं और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारे कम हमें जॉइनिंग दी है 25 से 30 कॉन्ट्रैक्टर ने जो साइड के ऊपर काम करें। अगर पहले अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो प्रोग्रेस 25 या 50% थी, अभी 100% वो चल रही है। साइड पर डिवेलपमेंट 24/7 चल रही है और प्रॉपर जिसको डेवलपमेंट कहते हैं वो हो रही है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की माशाल्लाह अपनी भी लंबी चौड़ी इक्विपमेंट है वहाँ पे, अपना स्टाफ है, वो खुद एक डेवलपर है और उसकी अपनी पूरी टीमें वहाँ पे काम कर रही हैं। उसके साथ साथ हम जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी हमने दावतें दी हैं और वो चल रही है। मजीद मैं आगे भी कहना चाहूँगा जिन लोगों को और भी ख्वाहिशमंद हैं जिनके पास मशीनें हैं जो प्रॉपर नो लिमिट कंपनीज हैं, वो आके ब्लू वर्ल्ड सिटी में अपना काम कर सकते हैं। हमारा साइट भी पूरा उसका एक BOQ बना हुआ है, हमारे जो साइट पे इंजीनियर जो डिपार्टमेंट MD PD वगैरह जो भी हैं उनसे आप मिलें, मिल के आपको प्रॉपर अपना BOQ देंगे, उनके साथ करके हमें यू साइन करें और अपना एज़ पर आपके जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें डिसाइड करके तो अपना काम आप जारी कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह आपको जो है ना अगले 5-6 महीने के अंदर जो डाउनटाउन है इसके अंदर एक बहुत अच्छी खुशखबरी हम लेके आ रहे हैं और बहुत अच्छी एक चीज़, लेकिन मैं अभी उसको अनाउंस नहीं करूँगा। जब मैं अनाउंस करूँगा तो आप लोग खुद बोलेंगे वाकई ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो आज दिन तक जो भी अपने वादे किए हैं और वादे को टाइम से पहले किया है। तो हमारे साथ कुछ हमारे और भी कुछ दोस्त हैं, वो वहाँ पर लंबा चौड़ा कुछ कमर्शियल और कुछ चीज़ें वहाँ पर ले कर आना चाह रहे हैं डाउनटाउन के ऊपर, क्योंकि ये मोटरवे के ऊपर से जब टूवर्ड लाहौर भी आएँ या इस्लामाबाद आएँ तो दोनों साइड से आप देखें तो मोटरवे के ऊपर एक 6-7 किलोमीटर एक ह्यूज लैंड होती है जिसका 6-7 किलोमीटर सिर्फ उसका जो फ्रंट है मोटरवे के ऊपर। तो वहाँ पे हम कमर्शियल काफ़ी सारी चीज़ें कमर्शियल, ये समझें कि कमर्शियल पूरा हब बना रहे हैं हम उसको। और ये जितना भी हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ से गेट नंबर 1 से इसी तरह कनेक्टेड है और इसी तरह जिस तरह गेट नंबर 1 वहाँ से स्टार्ट होता है अल्हम्दुलिल्लाह ये बैरिया टाउन तक फेज़ 9 तक हम लोग यहाँ तक इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अभी वहाँ से हमारी जो लैंड है सारे मोजे हम क्लियर कर चुके हैं, मोस्टली इसके आस पास हम आमने सामने आ चुके हैं इस टाइम पर। इसी तरह हम जो अपोजिट है उसको वहाँ से ले कर अटक की तरफ जा रहे हैं और उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं आगे सी पैक के साथ। सी पे पैक के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग इस टाइम पे सी पैक के साथ कनेक्टेड हैं आज की डेट में। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बहुत जल्द आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी दूंगा कि डाउनटाउन के अंदर क्या बनने जा रहा है। वहाँ पे आपने देखा है मेन बुलेवर्ड्स ऑलरेडी स्टार्ट हैं, स्ट्रीट लैम्प वहाँ पर लग चुके हैं, वहाँ पर लेबर कैंप्स, वहाँ पर वर्कशॉपें, पेट्रोल पम्प, सारा कुछ हम लोग वहाँ पर लगा चुके हैं। और अगले 2-4 महीने के अंदर आपको डाउनटाउन ये जितना मोटरवे से चक्री रोड तक पूरा एक ही पीस नज़र आएगा। इसके अंदर बीच में जो छोटी मोटी वो जो रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह, अभी मैंने कल संडे को वहाँ पे फिज़िकल वहाँ पे विज़िट किया था, मैंने काफ़ी सारी मशीनरी वहाँ पे डिप्यूट कर दिया और वो सीरी को पूरा वहाँ पर लेवलिंग स्टार्ट हो गए हैं। वहाँ पर कैलवेटस जो रोड्स हैं जो भी सारा कुछ उसके ऊपर काम प्रॉपर इंजीनियरिंग टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है
उन्होंने अपना पूरा काम स्टार्ट कर दिया है। अगले एक डेढ़ दो रमज़ान के फौरन बाद इंशाल्लाह हम आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी दे रहे हैं डाउन टाउन के अंदर। जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने, जिन साथियों ने, जो पल्टीनी हमारे ब्रदर्स है, जो हमारे स्टार्टिंग से डे फर्स्ट से ब्लू वर्ल्ड सिटी के शाना बिशाना मीन्स के हमारी हर जगह पर हमारी उन्होंने साथ दिया, हमारे साथ चले, हमारी हर चीज़ का उन्हें जिस तरह भी मार्केट में देखें आगे पीछे लोग बड़े आगे पीछे ये जी ब्लू टाउन ब्लू वर्ड ये हो गया ब्लू वर्ड वो हो गया, कहानियाँ राम लीला सुनते आ रहे हैं। इस मुल्क का तो दस्तूर है कोई बंदा जो काम करने वाला था उसको तो कोई काम करने नहीं देता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेरे जब खुदा की ज़ात इंसान को चलाने वाली हो तो बंदे के पास का कोई काम नहीं होता, ना इंसान किसी को रोक सकता है ना उसके पास, मगर उसने ना चलाना हो तो इंसान जो मर्जी करे इंसान नहीं चल सकता, लेकिन अल्लाह पाक हमारा साथ दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक नीति से अपना काम कर रहे हैं। हमारा बस एक ही विजन है, लैंड प्रोक्योरमेंट हम अपनी प्रॉपर जारी रखी हुई है, चाहे कुछ भी हो जाए दूसरी डेवलपमेंट, क्योंकि हमने जो अपनी आवाम के साथ जो वादे किए हुए हैं उनको हम पूरा निभा रहे हैं। और मुझे कोई आप फिज़िकल विज़िट करके प्रोजेक्ट को पूरा विज़िट करें, उसके बाद मुझे बाकी प्रोजेक्टों को भी विज़िट कर लें, मुझे कोई बंदा ये बता दे कि चार साल साढ़े चार साल पाँच साल की प्रोग्रेस इस टाइम के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने लैंड भी प्रक्योर की है, उसने डेवलपमेंट भी की है और सारी चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने हम अपनी लैंड एक्सटेंड ही करते जा रहे हैं, हम एक जगह पे स्टॉक नहीं है, डेवलपमेंट हर चीज़ को मद्देनजर रख के चल रहे हैं। आप देख लें वाटर थीम पार्क आपका काम किस स्पीड से चल रहा है, उसकी राइड्स आ चुकी हैं, फंडिशनें बांध चुकी हैं, बुर्ज अल अरब उसका जो रिप्लिका है उसको आप देख लें बिल्डिंग कहाँ तक पहुँच चुकी है, नीचे से साथ साथ उसकी पूरी बिल्डिंग भी शाफ्ट भी उसके ऊपर जा रही है, बिल्डिंग भी जा रही है। फोर्थ स्कूल का आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी क्लासें स्टार्ट हो गई हैं और 22 को 22 तारीख को हम लोग साइड पे एक इवेंट रख रहे हैं जहाँ पे हम लकाई बेस पे जो भी उनके लोग हैं उनके बच्चों को उन सारों को हम दावतें दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल का जो स्टाफ है पूरा हो चुका है, पूरी हर चीज़ उसके अंदर के कुछ ब्लॉक रेडी हो चुके हैं, कम्प्लीशन हो चुकी हैं और क्लासें वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। साइड पर आप विज़िट करें, कमर्शल प्लाजे बन रहे हैं घरों की, हमने काफ़ी लोगों को पोजीशन दे रही है, मज़ीद हम आगे एक और इवेंट करने जा रहे हैं उसके अंदर बिल्डिंग आ रही है, उसमें लोगों को हम काफ़ी सारी और मज़ीद पोजीशनें दे रहे हैं। अल्लाह के फजल से आपके देख लें सेकंड कप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, साल्ट एंड पेपर वाले आ रहे हैं अभी एक इंशाल्लाह दो तीन कंपनीज वहाँ पर पेट्रोल पम्प अपना लगा रहे हैं। इसी तरह आप देख लें जिस तरह आगे लुकमानी वाले हैं स्टेक हाउस और जो आपके हैं करवा सराय जो है उनकी भी टीम वहाँ पे प्रॉपर अपना उन्होंने पूरा सेटअप कर लिया, रमज़ान की स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी ओपनिंग कर देनी है। और इसी तरह आपके जो साइड पे जो पार्क हैं वो भी रेडी हो चुकी हैं, मेन बुलेवार्ड आपका एक तो जो जिसमें एंट्री करते हैं ग्रैंड एवेन्यू वो भी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आलमोस्ट कम्प्लीशन की तरफ जा रही है। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो अपनी आवाम के साथ वादे किए हैं उसको इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी दुआओं से आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से वो पूरी निभाती जा रही है और इंशाल्लाह आपको मज़ीद आगे भी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ और चीज़ें दे के चलेंगी। बस आप लोगों का साथ चाहिए और आप लोगों का तावन हमारे साथ चाहिए, बाकी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में एक और आपको वीडियो मैं बहुत अच्छी इससे हट के ये जो मैं अभी डाउन टाउन की कर रहा हूँ ना मैं इससे हट के अगला एक और स्टेप की आपको दिखाऊँगा और फिज़िकल उसमें छोटी सी वीडियोज़ भी आपको कुछ दिखाएंगे कि हमने एक और बहुत बड़ा सेटअप ओपन किया। हमारे जितने भी ज़मीन के जितने भी जो एरियाज़ हैं जो कनेक्टेड हैं, जो जो हम फेज़ बना रहे हैं या जो भी उसका नाम दे रहे हैं अल्लाह के फजल से वो सारे कनेक्टेड हैं। हम ये नहीं कि एक फेज़ यहाँ पे बना रहे हैं दूसरा हमारा उधर बना है, नहीं, जो भी हैं सारे ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेन बुलेवार्ड के साथ सारे कनेक्टेड हैं, चाहे वो हम सी पैक के साथ चले जाएँ चाहे हम बैरी के साथ आ जाएँ, लेकिन मेन बुलेवार्ड के साथ हमारे वो सारे कनेक्टेड हैं और हम उसके अंदर जितने भी फ्यूचर हैं वो सारे उसके साथ दे रहे हैं, हर जगह पर हर ब्लॉक के अंदर वो दे रहे हैं। इंशाल्लाह जनाब अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मज़ीद और अपडेट दूंगा और आपको इंशाल्लाह और खुशखबरियाँ भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।